क्या जो 57 मुल्क हैं उनका कोई फर्ज नहीं है कि वो जाकर किबला यवल की हिफाजत करें, और ये एक मुकम्मल जीनोसाइड है। ये मतलब बड़ों के साथ लड़ाई नहीं है, उनकी बच्चों के साथ लड़े हैं। गजा के आवाम को उन्होंने कहा कि आप यहाँ से दूसरे नॉर्थ की तरफ मूव कर जाएं, तो जब वो अपनी मूवमेंट शो कर रहे थे तो व्हाई डिड दे अटैक ऑन देम व्हेन दे वर मूविंग इज द पॉइंट ऑफ इसराइल के जब उन्होंने कहा है दे आर मूविंग ऑन देयर कमांड, तो फिर वो उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? अमेरिका इज जस्ट अ पपेट इन देयर हैंड्स। वो अमेरिका को जिस तरह कहेंगे वो अमेरिका उसी तरह करेगा। वी थिंक कि अमेरिका इज अ सुपर पावर, बट इनफैक्ट इसराइल इज अ सुपर पावर। ये एक बिल्कुल एक हिपोक्रेसी है और ये एक जीनोसाइड है, क्योंकि हमारे पास जो फलस्तीन की आबादी है उसकी 70% आबादी 15 ईयर से कम लोग हैं, 15 ईयर से छोटी एज है उनकी। तो इसराइल लड़ किसके साथ रहा है? मतलब बच्चों के साथ लड़े, बड़ों के साथ लड़े, लड़ किसके साथ रहा है? जबकि उनकी 70% आबादी 15 ईयर से कम है, तो उसका तो मुकाबला ही सारे बच्चों के साथ हुआ। तो हमारे पास अगर इसराइल की आबादी देखी जाए, उसकी टोटल आबादी जितनी है ना, इर्द गिर्द के उसके जो चार सरहदें लगती हैं मुस्लिम ममालिक की, मिस्र, लीबिया वगैरह, और जो साथ में जॉर्डन है, अगर उनके मुसलमान ही सिर्फ मिलकर उसका मुकाबला कर देना, तो बाकी अरब ममालिक को उसके अंदर बिल्कुल अपना मुदाखलत करने की भी ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ ये चार ममालिक अगर इसराइल के ऊपर हमला करें और उसको बताएं कि नहीं भाई ये आप गलत कर रहे हो, तो बाकी ममालिक को भी मोबिलाइज होने की ज़रूरत ना पड़े। और ये एक मुकम्मल जीनोसाइड है। ये मतलब बड़ों के साथ लड़ाई नहीं है, उनकी बच्चों के साथ लड़े हैं। वहाँ पर तकरीबन जो हमारे पास हॉस्पिटल में अभी अटैक हुआ है उसके अंदर 500 प्रेगनेंट वुमेंस थी, और वो सब क्या थे? बच्चे थे जिसके, और वो सब हमारे अच्छा, दुनिया में जंग के दौरान हॉस्पिटल पे अटैक नहीं किया जाता और बच्चों पे जुल्म नहीं किया जाता, लेकिन जैसे आप देख रही हैं इसराइल के हथकंडों को, तो आप इसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि उनके पास अब कोई और चारा नहीं बचा ना, वो हर तरह से अब इसराइल के ऊपर, इसराइल जो है हर तरह से हमारे जो फलस्तीन है उसके बच्चों के ऊपर ही अटैक कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूथ ही जो है वो सबसे ज़्यादा बाद में जाके काम डालती है, और वही एक नेशन का जो है सरमाया होती है। तो उसने नेशन के सरमाए के ऊपर हमले कर रही है, और ना वो अपनी बात के ऊपर कायम रह रही है, और ना ही वो अपने पॉइंट के ऊपर कायम रह रही है कि वो जहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से माइग्रेट कर जाएँ, तो माइग्रेट कर जाएँ तो हम आपको नहीं कुछ भी कहेंगे, लेकिन जब उन्होंने माइग्रेशन की तो वहाँ से जब वो माइग्रेट कर रहे थे उसके दौरान ही उन्होंने हमले कर दिए, तो वो तो अपने मौकफ के ऊपर भी नहीं है। अच्छा, अमेरिका सुपर पावर है तो उसका क्या रोल है ये जो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो हमारे पास इसराइल है ना, वो सारी फंडिंग अमेरिका को करता है, और जो बेसिस हैं वो भी सारी इसराइल की तरफ से हैं। यहूदी जो है वो सब फंडिंग वगैरह करते हैं, मीडिया उनके हाथ में, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में, साइंटिफिक इनोवेशन उनके हाथ में है, तो जब वो सारी चीज़ें उनके हाथ में है तो अमेरिका इज जस्ट अ पपेट इन देयर हैंड्स। वो अमेरिका को जिस तरह कहेंगे वो अमेरिका उसी तरह करेगा। वी थिंक कि अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, बट इनफैक्ट इसराइल इज़ अ सुपर पावर। जब हमारे ऊपर गजा के आवाम को उन्होंने कहा कि आप यहाँ से दूसरे नॉर्थ की तरफ मूव कर जाएं, तो जब वो अपनी मूवमेंट शो कर रहे थे तो व्हाई डिड दे अटैक ऑन देम व्हेन दे वर मूविंग, दे वर जस्ट मूविंग एंड दे वर जस्ट फॉलोइंग देयर कमांड्स। तो मेरे ख्याल से जब हमारे पास उन्होंने कहा कि शमाल को मूव कर जाएं, इसराइली आवाम को, कि आप यहाँ से मूव करके शमाल की तरफ चले जाएँ, तो दरमियान में जब वो हरकत कर रहे थे दे अटैक्ड ऑन देम। सो वट इज़ द पॉइंट ऑफ इसराइल के जब उन्होंने कहा है दे आर मूविंग ऑन देयर कमांड, तो फिर वो उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? अब जब इन्होंने कहा है कि हमास के साथ इनकी लड़ाई है, तो ये हमास के ऊपर हमला करें, हमास के साथ लड़ाई लड़े, ये क्यों हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया हैं फलस्तीन के उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों को तबाह कर रहे हैं? उनकी असल में लड़ाई किसके साथ है? अब जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी जो सारी टेक्नोलॉजी है वो इसराइली आवाम के हाथ में है, तो अब जो गूगल है, गूगल के ऊपर अगर हम जेरूशलम को सर्च करें तो वहाँ पर नीचे आता था कैपिटल ऑफ नॉट फलस्तीन बट इसराइल, जबकि वो फलस्तीन का है। सो दे हैव बीन प्लेइंग विद द टेक्नोलॉजी एज वेल। और जो हमारे पास किबला अव्वल है उसकी जो हिफाजत करना है, क्या वो निहत्ते फलस्तीनों का क्या रह गया फर्ज? क्या जो 57 मुल्क हैं उनका कोई फर्ज नहीं है कि वो जाकर किबला अव्वल की हिफाजत करें, उसके लिए लड़ें, उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसकी इमारतों को गिराया जा रहा है, क्या उनका कोई फर्ज नहीं है कि वो जाकर अपने किबला अव्वल की हिफाजत करें? क्या सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी ही है इस बात के लिए कि वो उसकी जाके हिफाजत करें, जबकि उनके पास ना तो वेपन्स है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास फूड है, और ना ही उनके पास अब रेजिडेंस, ना उनके पास एजुकेशन, ना ही उनके पास कोई रहने के लिए रेजिडेंस? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो ग्रेटर इसराइल का इस ग्रेटर इसराइल था वही बुरा होने जा रहा है।